सेंटर में जब से एनडी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तब से लेके हर पॉसिबल चीज जो है कश्मीर में ट्राई की गई है पीस को रिस्टोर करने को लेकर। क्या वजह है कि अभी तक जो है कहीं ना कहीं उसमें कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं ये नहीं कहा जा सकता कि कश्मीर में शांति बहाली की ओर अभी कुछ ज्यादा फायदा हुआ। दूसरा, पाकिस्तान के साथ भी उसी तरह से टॉक्स को रिज्यूम करने के लिए, टॉक्स के लिए प्राइम मिनिस्टर ने खुद इनिशिएटिव लिए, क्या वजह है कि वहां से भी अभी तक जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पे काम कर रही है, या आईएसआई के तरीके से चाहे टेररिस्ट यहां भेजने की बात हो या कुछ भी एक्टिविटी चलाने की बात हो, वो अभी तक जारी है? कहां लैक है, कहां फेलियर है? क्या जैसे मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था, दूर से देखने में जो दिखता है कुछ और है, उसका पूरा उत्तर दिया नहीं जाता सार्वजनिक तौर पर, इसलिए उस तरह का एक भ्रम रहता है। अब आप मुझे बताइए, कोई टॉक हुई है क्या? कोई टॉक हुई पिछले दो वर्षों में, तीन वर्षों से हुई है क्या? नहीं हुई है। अब आप कोई आगे उठ के कह देता है जी टॉक्स होनी चाहिए, जितनी बार वो कहें टॉक्स होनी चाहिए इतनी बार आप भी कहिए टॉक्स नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार जो भी फैसला लेगी देश हित में होगा, राष्ट्रीय हित में होगा, सारी इनपुट्स का संज्ञान लेकर के होगा, संवेदनशीलता से होगा। लेकिन जिस प्रकार की आपकी चिंता वाजिब है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार की निर्णायक कार्रवाई अब हो रही है, निश्चय ही ये आतंकवाद का अंतिम अध्याय होने वाला है और इस बात की पीड़ा पाकिस्तान को भी महसूस होने लगी है, तभी ये छटपटाहट वहां पर देखने। मगर अभी के जो इनपुट है उन्होंने बार बार ये कहा है कि जो पीओके है वहां पे कई टेरर कैंप्स जो है वो चल रहे हैं, लगता है एक बार फिर कभी सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये बीजेपी के शासनकाल में जो पहली बार हुआ वो फिर होगा? नहीं, वो आपका कहना ठीक है कि तो पाकिस्तान तो 1947 से अपनी शरारत से बात नहीं आया, लेकिन इस बार जिस प्रकार का जवाबी कार्रवाई हुई है उससे उसको काफी क्षति पहुंची है। टेरर कैंप्स यदि वो कर रहा है तो अब इन सारी विषयों का निपटारा दोनों स्तर पर होगा, राजनीतिक डिप्लोमेटिक स्तर पर भी और मिलिट्री स्तर पर भी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मोदी सरकार के चलते ये हुई है कि विश्व के वो देश जो पहले भारत के दृष्टिकोण से पूरी तरह से सहमत नहीं थे या कुछ अपने कारणों से सहमत ना होने के लिए मजबूर थे, वो भी आज भारत के दृष्टिकोण से सहमत हो गए, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर के, चाहे पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में फैलाए जाए आतंकवाद को लेकर। इवन दोज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच वर अर्लियर नॉट कमिंग अराउंड टू द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिया हैव नाउ रैलीड अराउंड इंडिया। सो दिस इटसेल्फ इज अ ह्यूज ह्यूज डिप्लोमेटिक विक्ट्री। सर मेरे दो सवाल है, पहला तो ये कि पिछली 2014 जो चुनाव लड़ा गया था मोदी जी की अध्यक्षता में, वो चुनाव पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ा गया था ताकि हम एक अपनी डोमिनेंस शो करेंगे इसको लेकर। इस बार जिस तरह से टॉक्स इनिशिएट किए जा रहे हैं सेपरेटिस्ट के साथ और उसके बाद शायद पाकिस्तान के साथ भी हों, और अब केवल एक साल से भी कम का समय बचा है अगले चुनाव में, तो क्या इस बार मोदी गवर्नमेंट जब चुनावों में जाएगी कुछ नए मुद्दों के साथ जाएगी कि हम अपने नेबर के साथ अच्छे तो कॉर्डियल रिलेशन रख लें और सेपरेटिस्ट के साथ भी बातचीत कराएं? मैं इस बात का फिर से वही उत्तर दूंगा, टॉक्स हुई है क्या? मुझे तो पता नहीं हुई टॉक्स पिछले दो साल में। वही कह रहा हूँ, तो फिर बात नहीं किए होता क्या? कोई बुलंद आवाज में नेता उठकर के कश्मीर से कहता पाकिस्तान के साथ बात करिए तो हम कह जाते हैं। भारत सरकार वही करेगी जो भारत के हित में होगा। दूसरी बात जो आपने कहा एक टॉक्स को लेकर, दूसरा क्या कहा? मैंने यही कहा कि पिछले चुनाव में पाकिस्तान के अगेंस्ट चुनाव में गए थे आप, अगेंस्ट लेकर लोगों में एक वेव बनाई थी, इस बार क्या मुद्दे अलग हो रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप या सेपरेटिस्ट के साथ बातचीत को लेकर जाएंगे? कहां हुई ऐसी बात नहीं, जो करने जा रहे हैं कोई कह रहा है और आप उसकी बात देखिए। ऐसा है जब होगा तब करिए। देखिए प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को कुछ भी बात कहने का, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसकी भी खबर बन जाएगी। अब कोई नेता बुलंद आवाज में वहां कहता है वी शुड टॉक टू पाकिस्तान, इसका मतलब तो लेकिन टॉक हुई तो नहीं ना। जहां तक सेपरेटिस्ट का संबंध है, गृह मंत्री जी ने भी दो दिन पहले भी कहा एवरीबॉडी इज वेलकम टू टॉक। ये तो किसी ने नहीं कहा कि सेपरेटिस्ट को जाके न्योता देना है या किसी और को न्योता देना है। कोई भी भारत का नागरिक आके बात करना चाहता है करे, अपना सुझाव। सर इसी में मेरा दूसरा सवाल है कि बाकी ये आपकी चिंता ठीक है, पाकिस्तान के प्रति देश भर में संवेदनशीलता है और चुनाव में ये खुशी आता भी, मैं आपकी चिंता को खारिज नहीं करता। लेकिन साथ ही साथ देश के लोगों को ये भी विश्वास है कि जिस प्रकार की निर्णायक रुख भाजपा अपना सकती है उस प्रकार की ये वामपंथी सोच रखने वाले इतना नहीं है। सर दूसरा,
चौधरी लाल सिंह बिल्कुल पार्टी से अलग होकर उन्होंने रैलियां की और उसके बाद अमित शाह के साथ उनकी एक बैठक तक भी हुई, तो क्या बीजेपी जो उनकी मांग है सीबीआई इंक्वायरी को उसको ऐसे पार्टी और आपकी यूनियन गवर्नमेंट बैक कर रही है? नहीं, ये तो मुझे लगता है कोई समाचार पत्रों ने लिखा है, वैसे भाजपा से अलग तो नहीं हुए। नहीं सर, रैलियां जो अलग होकर की सीबीआई अलग नहीं होगी, रैली तो हम भी कर रहे हैं रोज, अभी लाखों लोग डॉक्टर साहब लाखों लोगों की डिमांड है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जहाँ से आपको 25 सीटें मिली हैं, ठीक है सर। उन्होंने बीजेपी की रैली, हम तो हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की रैली को ओन करते हैं। कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता रैली करे, जनसभा करे, उसका स्वागत है, इसमें क्या दिक्कत है? सीबीआई वो उसका प्रश्न का उत्तर वो देंगे, पवन शर्मा बोल रहा हूँ सर। सर दो सवाल है, एक तो जब सरकार का गठन हुआ था केंद्र में तो जम्मू कश्मीर को लेकर एक उम्मीद थी धारा 370 और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज उनको नागरिकता मिलेगी और धारा 370 को लेकर भी बहुत बयान हुए तो उसका कुछ नहीं हुआ। दूसरा सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, जम्मू कश्मीर पुलिस का इतिहास यहाँ पे रहा है, आप देख रहे हैं कि कश्मीर में जम्मू में इनकाउंटर्स में हार्ड ड्यूटी सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर पुलिस की रही है। नॉर्थ ईस्ट में पुलिस के जो हार्डशिप अलाउंस है वो लगभग 80% है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज को जम्मू कश्मीर में हार्डशिप अलाउंस जो है वो 70-80% है, बट जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को सिर्फ 10% हार्डशिप अलाउंस मिलता है। और आप इस समय सेंटर में हैं, आपके पास ही अधीन में आता है पीएमओ के, इनके बारे में भी देखें। दो सवाल मैंने जो किए हैं वो सप्लीमेंट्री है कि जम्मू कश्मीर में बिजली का क्या हाल है वो आप खुद ही देख रहे हैं, पिछले कब से बंद है और कब से आ जा रही है। नहीं, आपका जो प्रश्न है ये इसमें औचित्य है, जहाँ तक पुलिस का संबंध है गृह मंत्रालय में आता है, हमने गृह मंत्री जी के आगे गृह मंत्रालय के आगे ये बात रखी है, उनके ध्यान में लाई है। वैसे भी जो आप बात और भी इसमें जोड़ सकते थे जो आपने नहीं जोड़ी, आपकी मेहरबानी है, कि सीआरपीएफ वाले को 1 करोड़ मिलता है, जम्मू कश्मीर को नहीं मिलता, तो मैंने ये बात रखी कि इसको इस विषय को लेकर के कोई अंदर नहीं रहना चाहिए और उन्होंने इसका संज्ञान लिया, मुझे विश्वास है इसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। थोड़ा सा प्रदेश सरकार को भी इसमें सहयोग करना होगा। और जो पहला प्रश्न था आपका उसका उत्तर मैं मैडम के प्रश्न पर दे चुका हूँ, जब ये गठबंधन सरकार है तो ये गठबंधन का जो न्यूनतम कार्यक्रम है उसके आधार पर बनी है, अगली बार 44 सीटें आएगी तो फिर इस बातों का चर्चा हो पाएगी, ये संबंधित मंत्री तक अपने आप ही सुना सकूं। लेकिन मैंने संज्ञान लिया है आपकी बात का पहले, और मैं आपके कहने से पहले ही एक सप्ताह पहले मैं बात करते रहता अपने सहयोगियों से, अब ये तो मैं नहीं जानता कितनी बात मेरी सुनी जाती है, क्योंकि कहने का अधिकार हमारे पास है, सुनने का अधिकार तो दूसरी तरफ होता है। लेकिन मैंने ये कहा था कि गर्मी का अभी ग्रीष्म ऋतु है, इसमें आप बिजली और पानी पर विशेष ध्यान दीजिए। और लाखों लोग जो है डिमांड कर रहे हैं सीबीआई जांच की, आपके मंत्री जो रहे हैं लाल चौधरी लाल सिंह वो भी डिमांड कर रहे हैं, अभी तक कोई भी अगर लाखों लोगों ने डिमांड है सीबीआई जांच की, इसमें हर्ज क्या है? कोई नहीं, इसमें हो गया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमने तो जनवरी में मांग की थी डिमांड, वो कहाँ बैठा है आशीष कोहली को आजकल पीट चलाता है मेरे डिसीजन में। ऐसा है, बहुत ज्यादा मैं इसमें नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे आपको जितनी चिंता है उससे थोड़ी ज्यादा चिंता है उन परिवारों की। एक मिनट, इस समय ज्यादा बोलने से उनको नुकसान हो सकता है, जो जिस प्रकार से चार्जशीट का चलता है। सीबीआई शुरू में अगर सरकार की ओर से हो जाता तो बहुत अच्छा था, किन्हीं कारणों से नहीं वो आप जानते हैं, अब इस हम साथ में चर्चा में नहीं आएंगे, या फिर कोर्ट कचहरी से हमारे वकील मित्र जाके ले आते, लेकिन उनको ये बताया गया कि कोर्ट कचहरी के बजाय अगर आप बाहर प्रदर्शन करेंगे तो अनाधापूर्वक शुरू हो। अब देखिए सबकी ओर से कुदाई हुई है, लेकिन इस समय हमारा ये ज्यादा चिंता ये है कि यदि दोषी कौन है हम नहीं जानते, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यदि कोई अपने आप को निर्दोष कहता है तो उसे पूरा अवसर मिलना चाहिए अपने निर्दोष होने का पक्ष रखने का, और उसके लिए हम नार्को टेस्ट की दवाई दे रहे हैं, नार्को टेस्ट कराओ फिर भी नहीं वो हो जाएगा, पक्का होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे समाप्त होती है। आप सब लोगों से